हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण वर्मा, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि यात्री एयरप्लेन में यात्रियों के लिए पैराशूट की सुविधा क्यों नहीं होती? तो लोग जानते हैं दोस्तों, वो मुझे इस कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे। और जो नहीं जानते दोस्तों, उनको मैं बता देता हूँ कि जो पैराशूट की जो किट होती है, वह सभी यात्रियों के लिए अगर उपलब्ध की जाए तो एयरप्लेन में बहुत ही ज़्यादा जगह चाहिए। और यह किट महंगी होती है। उस पैराशूट की किट को रोजाना उन्हें नियमित निरीक्षण करना पड़ता है। एयरप्लेन को उड़ान से पहले यात्रियों को उसका इस्तेमाल करना समझाना पड़ेगा। और दोस्तों, एयरप्लेन में अगर कोई आपातकालीन हो जाती है तो कभी सभी को पैराशूट से नीचे उतारेंगे तो एयरप्लेन में भागदौड़ हो जाएगी। और एयरप्लेन 35,000 फीट की ऊँचाई पर होता है, और उतनी ऊँचाई पर से पैराशूट से उतरना सभी के लिए आसान नहीं होगा। और नीचे सुरक्षित जगह पर उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और दोस्तों, औसत एक पैराशूट का वजन 7 से 14 किलो का होता है, यानी एक एयरप्लेन में अगर 200 से भी ज़्यादा यात्री हैं तो 1400 से 2800 केजी वजन सिर्फ पैराशूट का ही होगा। इसलिए यही कुछ कारणों की वजह से पैसेंजर एयरप्लेन में पैराशूट नहीं होते। अगर मुझे वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।